कीमत सुन के आप विल बी शॉक, क्योंकि इसकी कीमत है 14,60,000 एक्स शोरूम, और इसी की प्राइस में मिलते हैं आपको क्रेटा और सेल्टॉस का डीजल इंजन। 16,00,000 रुपए डालने पड़ते हैं, जो भी 2,00,000 रुपए कम हो के आपको 25K या फिर 30K बीच में इन बिटवीन ARAI माइलेज अगर आप कंपनी अगर क्लेम कर रहे हो तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। तो एक सिंपल सी गाड़ी वार्निंग देती जाएगी कि मोटर से बैटरी में कैसे पावर जो है वो ट्रांसफर हो रही है, और वो ट्रांसफर का मैप दिखाएगी आपको जो है पूरे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, उसी हिसाब से जो है कैलकुलेशन होता रहेगा। और आपकी बैटरी भी है वो जो है वो सेफ रहेगी, लाइफ आपकी ज़्यादा जो है वो बैटरी की हो जाएगी। और दूसरी बात है वो कैलकुलेशन आपको बताता रहेगा यहाँ पे। तो सेकंड गियर अभी था, तो सेकंड गियर उसने 2300 RPM में छोड़ दिया, और उसके बाद 3000-4000 RPM हाई स्पीड की बात करते हैं। मैं ओमकार आपको एक ऐसी अभी गाड़ी दिखाऊंगा कि जो गाड़ी आप देखने के बाद ऐसे प्राइस सेगमेंट में आप लेना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, यानी कि अगर आपका सेगमेंट 1,500,000 तक आपका सेगमेंट है, अगर आपका बजट है उस सेगमेंट में जाते हो तो गाड़ी कौन से मन में आती है? एक तो क्रेटा आती है या फिर एक सेल्टॉस आती है, दो गाड़ी आती है। लेकिन एक ऐसी गाड़ी एक है जो आप भूल गए हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। यह है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। अब इसके तरफ बात करते हो तो इसके दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है, एक जो है वो 1.5 लीटर जो है आपको पता ही है, और दूसरा जो है वो आपको जो है वो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड मिल जाता है, और दूसरा हाइब्रिड मिल जाता है 1.5 लीटर। अब इसकी बात करते हो ना तो ये परफॉर्मेंस वाइज आपको भी देगी, मज़ा देगी। और दूसरी बात है कि ऐसा एक्सपेक्ट करते हो इसका मतलब अगर ये करना हो ओवरटेक वगैरह क्विक वगैरह करना हो तो ना करो तो भी बेटर है। लेकिन एक ऐसी डील है आपके पास जो क्रेटा सेल्टॉस जो लेते हैं ना, तो उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो इसके तरफ आता है, क्योंकि इसका माइलेज जो है वो 25 KMPL तक आ जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यह है ग्रैंड विटारा सिल्वर ग्रे कलर में, और यह है डेल्टा प्लस ऑटोमेटिक। उसका टॉक कन्वर्टर आता है 6-speed, काफ़ी ज़बरदस्त आता है ये जो है वो मारुति सुजुकी का। अब इसकी कीमत सुन के आप विल बी शॉक, क्योंकि इसकी कीमत है 14,60,000 एक्स शोरूम, और इसी की प्राइस में मिलते हैं आपको क्रेटा और सेल्टॉस का डीजल इंजन। 16,00,000 रुपये डालने पड़ते हैं, जो भी 2,00,000 रुपये कम हो के आपको 25K या फिर 30K बीच में इन बिटवीन ARAI माइलेज अगर आप कंपनी अगर क्लेम कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहले जिनकी जो है वो ग्रैंड विटारा है, सबसे पहले वही प्लेटफॉर्म में जो है वो टोयोटा वर्क कर रहा है और हाइड्राइड रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, डिफरेंस इतना है कि फ्रंट का ग्रिल और बैक का ग्रिल चेंज है, बाकी कोई देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले ये है सेकंड टॉप एंड मॉडल, क्योंकि फर्स्ट टॉप एंड सिग्मा से अगर कंपेयर करते हो तो सिग्मा में आपको ऑटोमेटिक मिलता नहीं है, जो भी इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सेकंड टॉप एंड से चालू हो जाता है और मैनुअल ट्रांसमिशन बेस मॉडल में मिलता है, और CNG भी है वो मैनुअल में ही मिल जाता है, ऑटोमेटिक में आता नहीं है। तो सबसे पहले गाड़ी की बात करते हो तो पहले इस प्राइस में आपको ये विदाउट एक्सेसरीज कार देख रहे हो, 14,60,000 के एक शोरूम में आपको पूरी जो है वो क्रोम फिनिशिंग आपको मिल जाती है, सुजुकी का जो है वो बड़ा लोगो मिल जाता है जो भी इस तरह से आपको प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैंप पूरे के पूरे दे रखे हैं, LED प्रोजेक्टर लैंप, और ऊपर बात करते हो तो ये पूरे आइस क्यूब्स लैंप मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो अट्रैक्टिव है। हाई राइडर की बात करते हो इसी प्लेटफॉर्म में आपको मैं एनिमेशन डाल ही दूंगा, तो यहाँ पे ये पूरी जो है कर्व आते हैं, थोड़ा सा एनिमेशन चेंज है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे सेगमेंट में तगड़ा है, 190 mm तक है, और यहाँ पे ये विदाउट ऑल व्हील ड्राइव है। यहाँ पे बात करते हो तो ये दोनों के दोनों ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है। पीछे अगर बात करते हो चारों से चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है इस गाड़ी में, सिल्वर ग्रे कलर में है, चार कलर पैटर्न में आती है, दो रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो है बात करते हो ना तो ये यहाँ पे कोई क्रोम वोम नहीं मिलते आपको, एक्सेसरीज में आप जो है वो ये डाल सकते हो। अंदर भी बात करूंगा, तो सबसे पहले पीछे आपको लेके चलता हूँ। एक टोयोटा की हाईराइडर आती है, इसके डोर मुझे इससे भी थोड़े से जो है वो फील आए, भारी लगते हैं कंपेयर टू ग्रैंड विटारा, तो मुझे तो पर्सनली फील हुआ है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे फील होता है। पीछे अगर बात करते हो नेक्सा की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो इस मतलब जो है वो स्मार्ट हाइब्रिड यानी कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे रन होती है ये जो है वो गाड़ी रीजनरेशन कैलकुलेशन में। अब इसमें ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ग्रैंड विटारा आपको जो है वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, आपको क्रोम फिनिशिंग में मिल जाता है, कनेक्टेड जो है वो LED मिल जाती है, जो भी इस तरह से कुछ जलते हैं मैं आपको जला के दिखाता हूँ। जो भी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे खोलते हो ना तो यहाँ पे जो है वो LED कनेक्टेड आपको जो है वो मिल जाते हैं वो लाइट्स। ग्रैंड विटारा आपको बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो क्रोम फिनिशिंग में। अगेन बात करते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे जो है वो आपको रिफ्लेक्टर्स और एक जो हैलोजन रिवर्स लैम्प मिल जाता है, रिफ्लेक्टर एक मिल जाता है। मतलब फीचर वाइज जो है वो 14,00,000 में तगड़े तगड़े फीचर्स है। जो भी आपको क्रेटा सेल्टॉस के बेस मॉडल में सिर्फ आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, बाकी अगर कुछ नहीं मिलता। और इसमें भी चार एयरबैग आते हैं। दूसरी बात है 38 लीटर का पेट्रोल का टैंक है, और यहाँ पे दोनों के दोनों रिक्वेस्ट सेंसर है। जो भी क्रेटा में भी आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको टॉप एंड में ही आता है, मतलब थर्ड टॉप एंड में, जो भी इस पे सेकंड टॉप एंड में आपको मिल जाता है। ओपन करते हो तो यहाँ पे चारों के चारों पीछे और आगे एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, और ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे रन कर जो है वो ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर। अब ये गाड़ी का टॉक कन्वर्टर बोलते हो तो क्रेटा सेल्टॉस से कंपेयर करते हो तो उतना आपको इफेक्टिव
नहीं लगेगा इस गाड़ी का। अभी देखो ऑफ रोडिंग के मामले में ये गाड़ी सबसे ज्यादा ठीक ठाक मुझे लगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm के ऊपर 201 mm का मिल जाता है, काफी ऊंची गाड़ी है। अब देखो जैसे ही जैसे स्टीफ रोड आते हैं ना, गाड़ी के अंदर फील होने लगा है कि गाड़ी थोड़े बहुत कच्चे रास्ते में, खराब रास्ते में जा रही है, तो लेफ्ट मार जाओ। मतलब सुजुकी के जो है वो ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना, स्टेयरिंग व्हील हो या फिर गियर के मतलब चेंजेस हो, काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं कंपेयर टू एनी अदर व्हीकल, काफी ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ी सी जो है वो भगा के देखते हैं गाड़ी कैसी है कैसी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे ये देखो 2300 RPM में गाड़ी ने ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट किया। मतलब पहले जो है डाउन शिफ्टिंग जो करती है ना गाड़ी, मतलब हाई गियर है, फर्स्ट हो सेकंड हो, तो सेकंड गियर अभी था तो सेकंड गियर उसने 2300 RPM में छोड़ दिया, और उसके बाद 3000-4000 RPM हाईएस्ट स्पीड की बात करते हो। ये देखो अभी मैंने जो है वो कांस्टेंट जो है वो स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ाने के बाद जो ना ये देख लो अभी गाड़ी ने कोई भी गियर चेंज नहीं किया, फोर्थ या फिर फिफ्थ में है। ये देखो अभी मैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन करता हूँ 3000 RPM में, अभी देख लो गाड़ी ने गियर चेंज किया। ये फील कैसे होता है अंदर कैबिन में, अभी जो है वो अपोलो के 2160R और जो है वो 17 inch के आपको टायर व्हील मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर लैम्प का जो है वो थ्रो जो है वो इस तरह से कुछ हैलोजन प्रोजेक्टर लैम्प का मिल जाता है। अब ये डेल्टा है तो आपको व्हाइट लैम्प नहीं मिलते, आइस क्यूब जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, ये जो LED, लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा हैलोजन लैम्प दे रखा है। इसके ऊपर जाना पड़ेगा, अगर आप जेटा लेते हो और 1,00,000 रुपये डालते हो तो आपको पूरी व्हाइट सेटअप आपको मिल जाएगा, जो भी एक्सेसरीज में मेरे ख्याल से 5-8 हज़ार तक आपको आफ्टर मार्केट काम हो जाता है, जो भी कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे लेती है। अब दूसरी बात इसकी ये है कि इसका शार्क फिन एंटीना आता है आपको, जो भी फ़ायदा है इस गाड़ी का। अंदर बात करते हो तो अंदर ये खोलते हो दरवाज़ा तो इस टाइप का जो है इंटीरियर आपको मिल जाता है, बैठते हो तो ये देख लो ये पूरा आप खोलते हो तो यहाँ पे दोनों के दोनों डोर आपको मिल जाते हैं। ये जो है वो आपको क्रूज कंट्रोल कैंसिल वगैरह बटन, या फोन हैंगअप पिकअप वॉइस रिकॉग्निशन का बटन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये दोनों के दोनों डोर आपको मिल जाता है। 220 तक मार्किंग है, 8000 तक मार्किंग है। 5.7 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लैक आपको लेदर पॉलिश चढ़ के आता है। ये पूरा सिल्वर ग्रे फिनिशिंग है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे रन करती है मैं आपको समझाता हूँ। ये है हाइब्रिड नहीं, स्माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसमें रीजनरेशन कैलकुलेशन होता है, जैसे कि आप ब्रेक प्रेस करते रहते हो, जितनी बार इसका ब्रेक प्रेस करते रहोगे यहाँ पे आपको जो एक सिंपल सी गाड़ी वार्निंग देती जाएगी कि मोटर से बैटरी में कैसे पावर जो है वो ट्रांसफर हो रही है, और वो ट्रांसफर का मैप दिखाएगी आपको जो है वो पूरे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, उसी हिसाब से जो है कैलकुलेशन होता रहेगा। और आपकी बैटरी भी है वो जो है वो सेव रहेगी, लाइफ आपकी ज़्यादा जो है वो बैटरी की हो जाएगी। और दूसरी बात है वो कैलकुलेशन आपको बताता रहेगा यहाँ पे, और स्लोली स्लोली चार्ज होती जाएगी। मतलब हाइब्रिड की तरह 100% जो है वो ईवी और जो है वो 50-50 कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन आपको माइल्ड हाइब्रिड का, मतलब छोट जो है वो छोटा, मतलब 10% काम करती है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। इसलिए माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो इंजन से मोटर अब ट्रांसफर हो रही है, बैटरी कितनी है, इंजन कितना है। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, तभी अगर आप चालू करते हो तो बैटरी आपकी कंज्यूम होगी, आपके जो है वो इंजन मतलब चार्ज करता रहेगा, जैसे कि आप ब्रेक प्रेस करते हो तो और ज़्यादा चार्ज करता रहेगा, क्योंकि रीजनरेशन ब्रेकिंग आती है इसमें। अब इसके लिए आपको 14 लाख डालने पड़ते हैं। हाइब्रिड लेना चाहते हो विथ जो है वो MPFI इंजन, मतलब 50-50 लेना चाहते हो तो इसकी सेगमेंट 24 लाख तक चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसके बाद और एक वेरियंट आता है ऑल व्हील ड्राइव AWD, इसकी कीमत 25 लाख रुपये है। मुझे तो नहीं लगता ये ज़्यादा वर्थ इट है ऑल व्हील ड्राइव का। यहाँ पे फ्यूल लीड की और ये फ्रंट का बूट खोलने का ओपन आता है, ये पूरा खाली आता है, ऑल व्हील ड्राइव वगैरह मार्किंग वगैरह, हिल डिसेंट कंट्रोल टॉप मॉडल में मिल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। सीट आगे पीछे करने के लिए मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। लेदर अपहोल्स्ट्री वगैरह कंपनी फिटेड आता है, कोई आता नहीं है, बंद कर तो दे। इस तरह से आपको जो है वो रेंज वगैरह सब कुछ जो है वो बता देता है। ये देख लो पूरा का पूरा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मॉडल है। थर्ड टॉप एंड मॉडल जो है वो जेटा आता है, जेटा प्लस। उसके बाद आपको प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स वगैरह, हैलोजन लैम्प वगैरह नहीं मिलते, प्रोजेक्टर LED मिल जाते हैं। और ये आपको सेगमेंट में 103 BHP छोड़ते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में वो आपको जो है वो 110 BHP छोड़ेगी और 128 Nm का टॉर्क, 128 Nm का टॉर्क छोड़ेगी। वो थोड़ी सी आपको ईवी के ईवी जो कंपेयर करते हो ना माइल्ड हाइब्रिड से, ये तो इंजन स्टार्ट करेगा, ये ईवी जो है वो खींच देगी पावर, तो वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, क्योंकि ईवी जो है वो पुल कर रहा है इंजन को, तो उसमें आपको जो है BHP आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ खेल है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे ग्रैंड विटारा सेगमेंट में सबसे क्या है, डेल्टा मुझे तो ऑनेस्टली वैल्यू फॉर मनी लगता है। अगर आप क्रेटा सेल्टोस के बारे में सोचते हो तो एक बार इसको चला के जरूर देखें। वीडियो देख ले, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।